नमस्ते सभी, नमस्ते सभी, दिल से है ये नमस्ते। स्वागत है आपका नए व्लॉग में। तो अगले दिन हम आ जाते हैं थलासा में नाश्ता करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हो, थलासा भी सी साइड पे बनाया गया है। थलासा एक नाइट क्लब है, लेकिन दिन में यहाँ पे ये एंट्री चार्जेस नहीं होते हैं। यहाँ पे आप खा सकते हो, लेकिन रात को यहाँ पे एंट्री चार्जेस होंगे नाइट क्लब की तरह। तो ऐसा कुछ व्यू दिखता है थलासा से, और ऐसा कुछ है अंदर से थलासा, आप देख ही सकते हो। फिर हम थलासा से निकलते हैं और आते हैं बागा बीच पे वाटर राइड करने। यहाँ पे हर राइड के चार्जेस अलग होते हैं, और चार पांच राइड का एक पैक भी बना के देते हैं ये। लेकिन आप यहाँ पे जाओ तो कभी भी पैक में मत लेना, हमने पैक में लेके गलती कर दी। क्योंकि पैक तो सिर्फ़ एक डेमो के लिए होता है, जैसे आपको एक राइड करवाएंगे, जेट स्की करवाएंगे, तो 30 सेकेंड में घुमा के ले आएंगे और कहेंगे कि अगर आपको बड़ा चक्कर करना है तो 500 रुपये ऊपर देने पड़ेंगे। तो हर राइड का ऐसा ही एक उसूल होगा कि आपको कुछ ज़्यादा करने के लिए हमेशा ऊपर ही रुपया देना पड़ेगा। एक पैक आपको 1800 में भी मिल जाएगा और 1100 में भी, बस आपको बार्गेनिंग आनी चाहिए। लेकिन पैक लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ डेमो के लिए होता है। अगर आपको कोई राइड करनी है, सिर्फ स्पेशली वही राइड करनी है, जैसे हो गई जेट्स की या फिर बनाना राइड, तो आप सिर्फ उसी का पैसा दो और उनसे कहो कि हमें 500 रुपये में सिर्फ वही राइड करनी है जेट्स की, या फिर कोई बनाना राइड करनी है, तो वो उसके चार्जेस 300 रुपये होंगे। फिर उसमें आप उस राइड को प्रॉपर इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ उसी चीज़ के लिए आपने पैसे दिए, तो वो आपको ज़्यादा देर तक करवाएंगे और बढ़िया से करवाएंगे। अब हमने पैक तो लिया था, तो हमने चार पांच राइड करी थी, तो चार पांच राइड हमें धीरे धीरे करवाई थी, मतलब धीरे धीरे कह रहा हूँ, एक एक मिनट भी नहीं करवाई थी। तो आप देख सकते हो थोड़ी बहुत राइड जेट्स की हमने वीडियो बनाई थी, तो वो ये हो गई। तो इसमें आप देख सकते हो कि कितनी दूर लेके गया और कितना ज़्यादा उसने मेरे को घुमाया और वापस ले आया। और अगर मैं इसको और 500 रुपये देता तो ये बहुत दूर तक लेके जाता। तो ऐसा ही होता है यहाँ पे, हर चीज़ फ्रॉड पे चलती है। और ये पैरासेलिंग हो गई। यहाँ भी अगर आप इससे कहोगे कि इसको 1000 रुपये ऊपर दोगे, तो आपको 2 मिनट तक ऊपर रखेगा ये, वरना तो 30 सेकेंड भी ऊपर नहीं रखता और वापस खींच लेता है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप कोई पर्टिकुलर राइड करो तो उसके हिसाब से पैसे दो उनको, पैक मत बनवाना वहाँ जाके। फिर हम यहाँ से निकलते हैं और जाते हैं होटल वापस तैयार होने के लिए, और वहाँ से निकलते हैं हैमर्स क्लब के लिए। अब हम इस क्लब के लिए 3 दिन से आ रहे थे, लेकिन हमें तीनों दिन स्टैग एंट्री नहीं मिली थी, क्योंकि हम बहुत लेट जा रहे थे। तो हमने डिसाइड किया कि आखिरी दिन है, तो हम पहले ही पहुंच गए एंट्री से पहले ही। 9:30 बजे यहाँ पे एंट्री शुरू होती है, तो हम 9:15 बजे ही पहुंच गए और हमें फाइनली एंट्री मिल जाती है। और यहाँ के प्राइस बताऊँ तो बॉयज़ के स्टैग 6000 और गर्ल्स के स्टैग 1000 होता है। बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है हमारे साथ। और कपल एंट्री 5000 रुपये की होती है। इस एंट्री में आपको फुल कवर मिलता है। जैसे हम 5 बंदे थे और हमने 30000 रुपये की एंट्री ली थी, तो हम 30000 रुपये की चीज़ अंदर खरीद सकते थे। और ये रहा इसका मेन्यू कार्ड, इसको स्कैन करके आप इसका मेन्यू कार्ड चेक कर सकते हो व्हाट्सएप पे। और ये कार्ड मिलता है, इसको आप डेबिट कार्ड समझ लो, क्योंकि इसके अंदर 30000 रुपये की आपने एंट्री ली है, तो 30000 रुपये का इसके अंदर अमाउंट हो गया है और आप कुछ भी खरीद सकते हो इससे। जैसे कि बहुत बड़ा क्लब है ये वहाँ का, तो यहाँ की हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपको वेटर हर चीज़ करके देगा, अगर आपका पैक बनाना है तो वो भी वही बना के देता है। और यहाँ तक कि वो हर टाइम आपकी टेबल को क्लीन रखेंगे, एक टिशू भी होगा टेबल पे तो वो पहले ही उठा के ले जाएंगे। यहाँ पे 11 बजे तक तो सिर्फ हॉलीवुड गाने बजाए जाते हैं, 11 बजे के बाद बॉलीवुड और हॉलीवुड मिक्स कर देते हैं। तो सब कुछ मैंने बता दिया है यहाँ पे क्या कैसे कैसे क्या क्या होता है क्लब में, अब आप देख सकते हैं कि कैसा होता है। The safety features on this. Okay, right now, let's go.
Please raise both hands up in the sky. Raise up. Now slowly wave from the left to the right. Left. 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 Right. फिर अगले दिन हमें वापस आना होता है, लेकिन एक ट्रेजेडी हो जाती है एयरपोर्ट पे। वो एयरपोर्ट पे 1 घंटे पहले चेक इन करना होता है, लेकिन हम लेट पहुँचे थे तो उनका चेक इन हो जाता है और मेरा अकेले का रह जाता है। तो मैं अकेला वहीं रह जाता हूँ। और स्पाइस जेट वाले एक चीज़ अच्छी करते हैं कि अगले दिन मेरी टिकट ट्रांसफ़र कर देते हैं अगले दिन के फ़्लाइट में, और कोई चार्जेस नहीं रहते एक्स्ट्रा। तो मुझे एक दिन वहाँ पर अकेले बिताना था, तो मैं बाहर निकलता हूँ और एक स्कूटी रेंट पर रहता हूँ, और वैसे स्कूटी की वीडियो बनाता हूँ जैसे पहले गाड़ी की बनाई थी। अब मुझे वापस अरपोरा जाना था और एक रूम का जुगाड़ करना था। अब मैं अरपोरा जाके एक रूम लेता हूँ और वहाँ पे रुक जाता हूँ। अब एक बात अच्छी हुई थी कि हम क्यूबाना क्लब नहीं गए थे। अब क्यूबाना क्लब जाना था तो मैं अकेला हो जाता हूँ। अब आपको क्यूबाना के चार्जेस बताऊँ तो मैंने स्टैग एंट्री पूछी थी सिर्फ, तो वहाँ 2500 रुपये की स्टैग एंट्री होती है, जिसमें ड्रिंक्स तो अनलिमिटेड मिलेगी लेकिन बेवरेजेस आपको खुद ख़रीदने पड़ेंगे। क्यूबाना क्लब की भी वही टाइमिंग होती है, 9:30 बजे ओपन होता है, और स्टैग में हो आप तो इसी टाइम आपको जाना पड़ेगा जब भी एंट्री मिलेगी, लेकिन बाद में स्टैग एंट्री बंद कर देते हैं। यहाँ का सबका यही उसूल है, स्टैग एंट्री बाद में बंद हो जाती है, इसलिए आपको जल्दी जाना पड़ेगा सारी जगह जहाँ भी आप जाओ। तो कुछ ऐसे यहाँ पर इसकी सिटिंग एरिया होता है, और यहाँ पर ऊपर की साइड इसका डांसिंग एरिया होता है, जो कि अभी अंदर से दिखाता हूँ आपको कि कैसा है। और ये क्यूबाना का पीछे का एरिया होता है सिटिंग का, यहाँ पे भी आप बैठ सकते हो, कोई पेड टेबल नहीं होती यहाँ पे। उस दिन तो नहीं थे जिस दिन मैं गया था, और पता नहीं, पर मेरे हिसाब से तो नहीं थी ये पेड टेबल। नीचे की साइड ज़रूर थी पेड टेबल, लेकिन ऊपर की साइड नहीं होती है। पर ये क्लब इतना खास नहीं था जितना एमर्स था, यहाँ पर ज़्यादा मेरे को मज़े नहीं आए। यहाँ पर सिर्फ हॉलीवुड गाने बजाते हैं, बॉलीवुड नहीं बजाते। अगर आप बॉलीवुड के दीवाने हो तो यहाँ पर मत जाना। तो ऐसा कुछ है क्यूबाना। अब मैं थोड़ा रशियन के साथ डांस करता हूँ, वो देख लो। फिर मैं वहाँ से निकल जाता हूँ और अगले दिन आ जाता हूँ थोड़ा बीच पे टाइम पास करने, और यहाँ से फिर थोड़ा बहुत टाइम पास करके निकल जाता हूँ फ़्लाइट की ओर। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।